हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, आप नोटिस करते होंगे आजकल बच्चे रात में काफ़ी देर तक जगते हैं। अक्सर इसके लिए पेरेंट्स को ब्लेम किया जाता है कि आप देर तक रात में काम करते हैं, इसलिए बच्चे भी आपके साथ जगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स गिल्ट भी फील करते हैं, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, बच्चे जब तक फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे, बहुत नहीं थकेंगे, तो उन्हें अच्छी नींद नहीं आएगी। और नतीजा ये होगा कि अच्छे से अगर वो नहीं सोएंगे तो मॉर्निंग में अच्छे से नहीं उठेंगे, अच्छे से खाना पीना नहीं खाएंगे, तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बच्चों को खूब थकाएं। बच्चों के साथ शाम में ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 घंटा फिजिकली खेलें, दौड़ भाग के खेलें, बॉल के साथ खेलें, बैडमिंटन खेलें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ मस्ट। ये हर एज के बच्चों के लिए है। जो बच्चे जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं वो उतने अच्छे से सोते हैं, उतने अच्छे से वो जगते हैं, और वो उनकी भूख भी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है, अच्छे से वो खाना पीना भी खाते हैं। अभी हम पेरेंट्स क्यों परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे रात में देर तक जगते हैं, अच्छे से खाना नहीं खाते? अगर वो अच्छे से नहीं खेलेंगे कूदेंगे तो उन्हें भूख नहीं लगेगी, वो थकेंगे नहीं, तो फिर उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शाम में आप एक नियम बना लें, बच्चे को 1 से 2 घंटा ज़रूर खेलने देना है, फिजिकली खूब एक्टिव रखना है, ताकि बच्चे को हम रात में जब डिनर करा के सुलाएं तो आराम से एक साउंड स्लीप ले और मॉर्निंग में काफ़ी फ्रेश फील करें। इससे बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बच्चे को भूख बहुत अच्छी आएगी, ओवरऑल ग्रोथ पे भी काफ़ी अच्छा इसका असर पड़ता है। दूसरी चीज़ है, अक्सर रात में क्या होता है, बच्चे थके रहने की वजह से दूध पी लेते हैं, हॉर्लिक्स पी के सो जाते हैं, वो डिनर नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चों को रात में बीच बीच में उठना पड़ता है, या फिर रात में उठ के वो रोने लगते हैं। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स से बोलूँगी कि बच्चे को रात में ज़रूर से ज़रूर हर एज के बच्चे को आप डिनर करा के सुलाएं, ठोस आहार खिला के सुलाएं, कभी सिर्फ दूध या हॉर्लिक्स के भरोसे ना सुलाएं, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है, बच्चे को भूख लग जाती है, बीच रात में उठने लगते हैं, रोने लगते हैं, अगर आप उस समय उनको दूध भी पिलाते हैं तो वो नहीं लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को रात में ठोस आहार खिला कर ही सुलाएं। तीसरी चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चे जब 2 साल के होते हैं तो उनकी मालिश छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है। बच्चों की मालिश हल्के हाथों से 2 साल के बाद भी ज़रूर जारी रखें। रात में जब बच्चे को आप लेके सुलाते हैं तो धीरे धीरे उनके पाँव के दबाएं, बिकॉज बच्चे थके रहते हैं, और थके रहने की वजह से क्या होती है, बॉडी में उनके काफ़ी पेन रहता है। तो जब आप उनके पैरों के हल्के हाथ से मालिश करते हैं तो वो आराम से सोते हैं और एक साउंड स्लिप लेते हैं, इसलिए बच्चों की मालिश आप ज़रूर करें। चौथी चीज़, ये चीज़ ध्यान देना है, बच्चों की रात में क्लोथ ज़रूर चेंज करें। जैसे आलस में कभी बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं तो भी बच्चे अनईजी फील करते हैं, बिकॉज रात के टाइम क्या मन करता है ना, ढीला ढाला कुछ पहन के सोएं, सॉफ्ट सा पहन के सोएं। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि बच्चों को रात में एकदम सॉफ्ट सा कुछ नाइट ड्रेस, या फिर आप कोई भी ढीला टी शर्ट कुछ भी कंफर्टेबल पहना के ही सुलाएं, कभी भी उन्हें एकदम फिटिंग क्लोथ या फिर कुछ भी चुभने वाला क्लोथ ना पहना है। तो इससे भी क्या होता है, बच्चों की नींद पर असर पड़ता है। पाँचवीं चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चों के साथ जब आप बच्चों को जब आप सुलाने चाहते हैं तो 5-10 मिनट के लिए आप भी लेटें। इससे क्या होता है, एक बॉन्डिंग भी बनती है, और बच्चों के साथ आप कुछ बातें करते हैं, कुछ स्टोरी नारेट करते हैं, तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं। मुझे याद है कि मेरी मम्मी बोलती है कि तुम जब सोती थी तो मैं तुम्हारे सर को इस तरह कुछ लाती थी, तुमसे बातें करते करते तुम सो जाती थी। तो यही चीज़ मैं आशी के साथ करती हूँ, मैं आशी के साथ सोती हूँ, पीठ को मैं थपथपाती हूँ, कुछ कुछ पूछती रहती हूँ उससे, कुछ बताती रहती हूँ, तो वो तुरंत सो जाती है। तो ये एक हैबिट सा हो गया है, काफ़ी ईजी भी हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपने रूटीन सेट कर दिया तो फिर उसे कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आज मुझे घूमने जाना है, कल मुझे मार्केट जाना है, तो बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब करें, ये नहीं करना चाहिए। इससे भी बच्चे काफ़ी क्रैंकी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, फिर उनका स्लीप अगर अच्छा नहीं होता तो नेक्स्ट डे काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है। सातवीं चीज़, बच्चों को शुरू से ही लाइट ऑफ करके ही सुलाने की आदत डालें। लाइट ऑफ करने का ये मतलब होता है कि बच्चे के माइंड में एक सेटअप सा बन जाता है कि अच्छा अब लाइट ऑफ हो गई है, मतलब सोना है, तो माइंड उस तरह से वर्क करता है। तो शुरू से जब बच्चे को आप लाइट ऑफ करके सुलाएंगे तो बड़े होने के बाद भी उन्हें सोने की अच्छी हैबिट आएगी, और लाइट ऑफ होते ही वो उनका एक माइंडसेट बन जाएगा कि अब लाइट ऑफ हो गई तो हमें सोना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी वर्क करती हैं, और आई एम श्योर अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगी तो आपके बच्चे की जो रूटीन है वो एकदम सेट हो जाएगी, वो रात में काफ़ी अच्छे से सोएंगे, साउंड स्लीप लेंगे, उनकी जो थकान है वो भी मिटेगी, और मॉर्निंग में काफ़ी खुश होकर वो उठेंगे, अच्छे से खाना पीना भी खाएंगे, और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube पे टाइप करें मॉमीज प्लैनेट इंडिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहे मॉमीज प्लैनेट इंडिया।